कि जो भूली बीती ताही विसारी आगे की सुधी, जो बीत गई बात उसको नहीं याद करना है, हमें अपने भविष्य के बारे में सोचना है। और इस बार के चुनाव में यदि भविष्य के बारे में दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, इस देश में रहने वाले लोगों ने नहीं सोचा तो भविष्य आने वाली पीढ़ी हम सबको माफ नहीं करेगी। बड़े खतरनाक मोड़ पर यह देश खड़ा है। अरे तुम लोग जो सत्तु पिलाना शुरू किया, यही ना मुश्किल है। कैसी करे, हम सबको फैसला लेना है सोच समझ के, और सोच समझ के फैसला नहीं लिए तो बड़ी मुश्किल होगा। जो देश की हालात है, जिस तरह से तानाशाह देश के शासन में बैठा है, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह, यहाँ भी उस बड़ा तानाशाह है, उसका घमंड देख रहे हैं आप लोग। कह रहे कि जनता से वोट नहीं मांगेंगे, अपने जीत जाएंगे, क्या बोला है कि नहीं? एकदम बोला है। कौन कौन सुने है, जरा हाथ उठाइए। सुने है ना? ऐसा व्यक्ति जो कह रहा है कि हम वोट नहीं लेंगे, जीत जाएंगे, कल वोट मिल जाएगा, तो आपको क्या कहेगा? हम वोट मांगना लिए उतरा नहीं था अपने दिल, तो फिर आपके वोट का महत्व तो देगा नहीं देगा? कोई काम से जाइएगा तो सुनेगा, कहेगा हम तोड़ो मांगने के तुझे मेरे पास आए हो। इसलिए हम सबको सोचना है, ऐसे घमंड व्यक्ति का घमंड तोड़ना है। और वो कैसे टूटेगा? जब उसको एक भी वोट इस गांव में नहीं पड़ेगा, इस क्षेत्र में नहीं पड़ेगा। हम सबको ये प्रयास करना है। हालात क्या है पूरे देश में? गरीब को कोई देखने वाला नहीं, किसान को कोई देखने वाला नहीं, नौजवान महिलाओं को कोई देखने वाला नहीं। बताइए ना, इस 10 बरस में भारतीय जनता पार्टी पहले बोली कि महंगाई कम करेंगे, महंगाई आसमान छू रहा है। क्या बाबा, महंगाई है कि नहीं? है, पूरी महंगाई है। जो नमक 50 पैसा किलो मिलता था, दुकानदार बार हम छोड़ी दे ले। अभी 20 टका किलो से कोई नमक कम है? नहीं, कहानी यही है। किरासन तेल 20 रुपया लीटर मिलता था, अभी 100 रुपया लीटर है। वो भी मुश्किल है, नहीं वो भी मुश्किल है। डीजल भी 100 को टच कर रहा है, पेट्रोल भी 100 को, गैस 400 रुपया में गैस कांग्रेस के जमाने में था, और अभी 1100-1200 चुनाव के चलते थोड़ा कम किया है होशियारी करके। ये सारा चीज है, इसका सारा मुनाफा किसके पास जाता है? वही कॉरपोरेट घरानों के पास, अडानी, अंबानी, बड़े बड़े लोगों के घर में जाता है। गरीब का खून चूसा जाता है और बड़े लोगों का पॉकेट गर्म होता है। और ये पार्टी है बड़े लोगों की, भारतीय जनता पार्टी छोटे लोगों की पार्टी नहीं है। देखिए, कर्जा माफ हुआ पूरे देश में, हुआ कि नहीं? लेकिन किसका हुआ पता है? अडानी अंबानी का। और 1-2 लाख नहीं हुआ, 20 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ हुआ। और हम किसान कहते रहे कर्जा माफ करो, नहीं किया। इसीलिए इस बार राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने, इंडिया गठबंधन ने कहा है कि मेरी सरकार बनेगी तो हम अडानी अंबानी पैसे वाले का कर्जा माफ नहीं करके तमाम गरीब किसानों का कर्जा माफ करेंगे। अभी बेचारा नौजवान जो पढ़ लिख लिया उसको नौकरी नहीं, क्योंकि तो सरकार बहाली नहीं कर रही है। हमारी सरकार आएगी तो 30 लाख बोला है कि बहाली 1 साल। ये नौजवानों के लिए खुशखबरी है। और सबसे बड़ी जो महिलाएं यहाँ खड़ी है, कुछ महिलाएं, आप लोग सुन लीजिए कि इस बार राहुल गांधी जी ने कहा है, हाथ छाप वाले ने कहा है, इंडिया गठबंधन ने कहा है कि मेरी सरकार आएगी तो महिला के खाता में कितना जाएगा पैसा? 1 लाख यानी 8,500 महीना। महिला के खाते में 8,500 रुपया महीना जाएगा, ताकि वो परिवार को भरण पोषण कर सके, बच्चों को पढ़ा सके। और जैसे ही इनके खाता में जाएगा, पनुसा भाई पूछे लगते, बहु पुतहो पूछे लगते, और बस बेटाओ पूछे लगते कि पूछता हो कि नहीं, बोलो। एक नहीं पूछता हो, माँ लेते तो पूछे लगते। इसीलिए ये तमाम चीजें हैं कि ये सरकार गरीबों के लिए करने वाली। और इस क्षेत्र में दुबे जी को कोई मतलब नहीं है, उनके चंद चमचे अमचे हैं,
वो चमचे हमचे उनका काम झूठ मूठ का ढिंढोरा पीटते रहता है, वोट लेते रहता है, उनको यहाँ से कोई मतलब नहीं है। बड़ी बड़ी बात, वो बस हवाई जहाज में चलने वाला लोग है, इसीलिए हवाई जहाज चलने वाले को लोगों को इस बार जमीन पर उतारिए। और बस हम तो आपके बीच के हैं, हम तो आपके घर के हैं, उधर कहाँ बिहार का आदमी यहाँ के चुनाव जीत रहा है बताइए। झारखंड में कोई लोग नहीं है। जितना नया चितकाट के लोगों को चितकाट का दर्द होगा, बाहर के लोगों को होगा क्या? नहीं, उसी तरह उसको झारखंड का दर्द होगा जितना हमको होगा। इसीलिए इस बार सब लोग आप लोग मन बनाए हैं, एक एक वोट कांग्रेस को दीजिए, हाथ छाप को दीजिए, हमको दीजिए। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जीत के बाद आपकी सेवा बेहतर करेंगे, आपको सेवा बेहतर देंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ आप सबको प्रणाम। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए बीकेडी न्यूज झारखंड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें।